ये भी कौन बोला था कि हैदराबाद की टीम लुल हो गई? अबे शर्मा जी, अरे ये पांडू रंगा, भाई पांडू कहाँ छुपे जा रहे हो? वह भैया नाम है तुम्हारा पांडू, अब हमसे बातें करो, कई के लिए बन रहे हो गांडू? वह भाई हमसे बातें करो, भाई किसने कहा था कि भाई हैदराबाद की टीम लुल हो गई? वह भैया हैदराबाद की टीम लुल ना है, हैदराबाद की टीम रद्दी टीम ना है, जलवा देख लो हमारा 277 रन कूटा है। वह तुम्हारे गेंदबाजों को भी बुखार आया होगा, पिटाई वो लेवल की करते भाई मजा आ जाए गेंदबाजों को, बिना मजा के तो हमारे बल्लेबाज किसी को छोड़ते ही ना है। बाकी इसकी शकल देख लो, मूंछों वाला खटोला, ये तो तुमको याद ही होगा, भाई ये वही ट्रेविस हेड है जिसने वर्ल्ड कप में तुम्हारी टीम का बैंड बजाया था। बाकी हम तो ये कहते भाई, नाम है हमारा पैंट कमीज, सॉरी पैट कमिंस, मेरा कहने का मतलब ये है मेरा नाम है पैट कमिंस, और भैया मैं कभी नहीं पहनता जींस, देख लो भाई ऐसा ही कोट पैंट में रहता हूँ और जलवा करता रहता हूँ। अबे कैसे हो, कैसे हो शर्मा जी, तुम कैसे हो? वह शर्मा जी, तुम भी शर्मा हम भी शर्मा, इसीलिए हमने करा है अपना कर्मा। अबे अगर तुम कप्तान होते तो मैं इतनी कुटाई कभी ना करता, लेकिन तुम शर्मा मैं शर्मा, और शर्मा की बेज्जती शर्मा की बेज्जती। ये पांडू रंगा, अब बताओ कैसा हो रहा है भैया हालचाल, कैसा हो रहा है ये नंगा? देख लो भाई जलवा हमारा 23 गेंदों पे 63 रन 7 छक्के 3 चौके के साथ मारे हैं, और तुम्हारी टीम के गेंदबाजों के हमने अच्छे तरीके से भूत उतारे हैं। बाकी जलवा हमारे इन लोगों ने भी किया है, हेनरिच क्लासेन ने भाई एकदम ऐसा खेला है भाई, जलवा कर दिया। हम तो ये कहते भाई क्लासेन का डसा पानी भी नहीं मांगता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोलता अभिषेक शर्मा, क्लासेन का डसा पानी भी नहीं मांगता, हम हूँ क्लासेन, बढ़िया खेलती सबको लुल बनाती। शर्मा जी भाई कैसा लग रहा है, मुंबई वालों 277 रन, भाई सारे रिकॉर्ड टूट गए भैया। हम तो ये कहेंगे फोड़ डाला पुराने धुराने रिकॉर्डों को, तोड़ डाला हमारी टीम ने, जलवा कर डाला और तुम्हारी टीम का हलवा कर डाला, समझी? ये भाई डट जाओ भैया डट जाओ, ज्यादा बेइज्जती ना करो, ये पांड्या का ना दिमाग सदमे में चला गया है भाई, इसको इतनी बड़ी टेंशन हो गई भाई, पजामा इसका फटा जा रहा है टेंशन के मारे, एकदम दिमाग का दही हो गया है, अब देख लो कैसा छुपा हुआ घूम रहा है। हाँ भाई पांड्या बेटे, भाई कप्तानी करोगे? कप्तानी नहीं करो भाई, तुम तो कोचिंग कराने लग जाओ मुंबई के खिलाड़ियों को। भाई बढ़िया वाली पनौती वाली तुमने कप्तानी करी है, मुंबई का भविष्य बन गए, अब तो भाई तुम कोच बन जाओ मुंबई के, बढ़िया रहेगा, कप्तानी किसी और को थमाएगी अब मुंबई वाली टीम। लेकिन भाई हम तो ये कहते हैं ये सदमे में न रहो, अब इनसे बातें करो, जो बाहर के खिलाड़ी आए हैं हैदराबाद वाले आए हैं, इनसे बातें करो, टक्कर लो इनकी। अबे भारी गलती हो गई, माफ कर दो गुरुजी, माफ कर दो। अबे भाई एक और देख रहे हम ऋतुराज गड़बड़ को, कोई भी फैसला धोनी भैया से पूछे बिना ना करता, और भाई हमने तो अपनी चाले चलने की कोशिश करी, भाई हमको क्या पता था गुरु से लेंगे पंगा तो होना पड़ेगा हमको नंगा। भाई माफ कर दो शर्मा जी, हम तो ये कहते हैं जिंदगी झंड हो जाएगी, गर्मी के बाद ठंड हो जाएगी, और तुम हमें माफ कर दोगे तो पांड्या की बुद्धि रिफंड हो जाएगी। अबे शर्मा जी, भाई इसको माफ आप कुछ ना करो पांड्या को, तो भैया तुम ये सुना दो लल्ला लल्ला लोरी लला करे तमाशा दूध में बतासा, बढ़िया खेला है, क्या कप्तानी करी है बताओ, हम लोगों ने तो 277 रन बना दिए भाई, मजा आ गया। बाकी तुम्हारे और लड़कों ने, तुम लोगों ने बल्लेबाजी भी 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर करी, लेकिन पांड्या भाई 20 गेंदों पे 24 रन, वो भी 120 के स्ट्राइक रेट से, पांड्या की वजह से ही भाई तुम्हारी टीम लुल हो गई, मजा दिला दिया पांड्या तुमने, लव यू यार लव यू।